खाने की चीज है ये, इसकी कभी भी मंदी नहीं आती है खाने की चीज में। 1.5 लाख से 2 लाख आप कमा सकते हैं अगर आप 8 घंटा चलाते हो तो। जो आपने मेहनत की बात करते हैं, मैं तो मेहनत करता ही हूँ, मेहनत पूरी मशीन करता, मैं तो सिर्फ ऑपरेट करता हूँ। मैं आपके जैसा ही एक मजदूर आदमी, कोई मेरे जैसा कोई किसी आदमी को ये काम लग जाए इसलिए मैंने आपको सब बताया। मेरी उम्र है 68। आप खिलाने से बेहतर है आप चलाओ। कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। वाह, जिसको मेहनत करना है ना जी, उसके लिए इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है जिसको मेहनत करना है। हाथ फैलाने से बढ़िया है हाथ चला रहो, हाथ चला हाथ फैलाने से बढ़िया इज्जत से रोटी कमाओ, उसमें सुकून मिलता है। बिल्कुल, इज्जत से रोटी कमाओगे दोस्तों तो आपको सुकून भी मिलेगा और इज्जत भी मिलेगी जरूर। हेलो दोस्तों, मैं महबूब शेख आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। कि अगर आप अपने घर पे बैठे हो और अगर आप इंतजार कर रहे हो कि कोई सही आपको बिजनेस मिल जाए, कोई सही उद्योग मिल जाए और फिर आप पैसा कमाओ, तो दोस्तों ये सब बिल्कुल एकदम बेकार की बातें हैं। क्योंकि हमारे साथ हैं आज मिस्टर गिरीश सर, और गिरीश सर अपने घर से उद्योग करते हैं। इनकी उम्र सर, आपकी उम्र कितनी है एक बार आप बता दीजिए। पहले तो मैं सर नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही एक मजदूर आदमी हूँ। और मेरा नाम गिरीश भाई है, मेरी उम्र है 68 साल की इनकी उम्र है। और गिरीश भाई अपने घर से अपना खुद का उद्योग चलाते हैं। सर आप जो ये उद्योग करते हैं अपने घर से, ये कितने लोग मिलकर के करते हैं? हम तो दो ही लोग हैं और एक मेरा दोस्त का बच्चा कभी कभी मेहनत मदद के लिए आ जाता है। 2-3 आदमी काफी है इसके लिए। 2-3 आदमी आप घर से व्यवसाय करते हैं, आप घर से प्रोडक्ट बनाते हैं और 10x15 का एक रूम हो तो इसमें ये आराम से काम हो जाता है, सारा काम हो जाता है आपका। और आप इस उम्र में भी आप उद्योग कर रहे हैं और काफी लोग उद्योग करने के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उम्र जो मेहनत के लिए सोचते हो कि इस उम्र में मेहनत नहीं होगा, तो मेहनत तो हमें करना है, मेहनत तो मशीन करेगी, हमें तो सिर्फ ऑपरेट करना है। कैसे ऑपरेट करना है वो धीरे से सीखना पड़ता है। जैसे आप साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल के ऊपर बैठ के तुरंत तो चलना सीखे नहीं, थोड़ा टाइम लगा सीखने में। ऐसे ये मशीन में चलाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, फिर ये आसान है। जो मेहनत है सब मशीन करती है, हमें तो सिर्फ ऑपरेट करना है। आप सिर्फ ऑपरेट करते हैं। दोस्तों गिरीश भाई एक मशीन से काम करते हैं और ऐसा माल तैयार करते हैं कि मार्केट में वो चुटकियों में मार्केट में बिक जाता है। क्योंकि भारत के किसी भी कोने में अगर आप रहते हो ना, तो ये माल आप भी बना करके बेच सकते हो। अब वो कैसे करोगे ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जैसे अभी गिरीश भाई काम करते हैं, साथ में इनके वाइफ काम करते हैं, आंटी जी भी हैं, और दो लोग मिलकर के ये पूरा काम करते हैं। और जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप भी अगर अपने घर से ये उद्योग को शुरू करते हैं ना, तो गिरीश भाई तो हालांकि दिन भर मशीन चलाते नहीं है, दिन भर माल बना के बेचते नहीं है, लेकिन अगर आप 8 घंटा भी अगर कायदे से काम करोगे ना, ये मशीन को लेकर के और ये उद्योग, ये माल बना करके बेचोगे जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं ना, तो आप महीने का 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की कमाई आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। 1.5 लाख से 2 लाख आप कमा सकते हैं अगर आप 8 घंटा चलाते हो तो। हालांकि गिरीश भाई दिन में से केवल 2 से 3 घंटा ये काम को करते हैं, थोड़ा बहुत कमाते हैं और सुकून से रहते हैं, लेकिन आप जवान हो, आप कर सकते हो ये उद्योग को। और जैसे गिरीश भाई हैं, इनकी उम्र की भी लोग कर सकते हैं। और आज के वीडियो में गिरीश भाई हमको बताएंगे कि ये क्या उद्योग करते हैं और किस तरीके से माल तैयार करके मार्केट में बेचते हैं। हम तो यहाँ उड़द के पापड़ बनाते हैं, और सीजन जो दिवाली की सीजन होती है तब चौड़ापरी मठिया ऐसी सब बनाते हैं, चीज बनाते हैं। ये उड़द का पापड़ ऐसी चीज है, ये हरदम हर सीजन में खाने वाली चीज है, हर घर में हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हर किसी के घर में ये पापड़ तो जलता है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ तो किस्म किस्म के पापड़ बनते हैं। ये पापड़ इसमें बन जाएगा, ये जैक्सन का मशीन है, जो बेलन से बेल सकते हो वो सभी चीज इसमें हो सकती है, हर एक चीज बन जाए। जो बेलन से बेल सकते हो, रोटी से लेके पूरी बनाओ, आप चोड़ा पड़ी मठिया पापड़ डिस्क वो छोटा मिनी पापड़ होता है, वो पानी पूरी कुछ भी इसमें बन सकता है। दाई चेंज करना होता है, इंजेक्शन मशीन का ये मशीन है और मैं करीबन 3 साल से चला रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ हुआ ही नहीं है अभी तक इसमें कोई। आप 3 साल से चला रहे हैं? तीन साल ये मशीन को 3 साल हुआ था, इसके पहले मेरे पास एक छोटा मशीन था, उसको मैंने 5 साल चलाया। तो आप हमेशा से मशीन से ही काम करते आए? हाँ, आज के तारीख में काफी लोग ये काम हाथ से भी करते हैं, लेकिन मशीन से करने का क्या फायदा होता है? मशीन हाथ से 4 गुना काम इसमें आसानी से हो जाएगा, 4 गुना काम हो जाएगा। जो 8 घंटे आप जो काम करते हो ये 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1.5 घंटे में आपका काम खत्म हो जाता है। देखिए ये आटा गूंदने का मशीन है, इसके अंदर आटा डाला जाता है,
हाँ? आटा उसके अंदर जो काली मिर्च जो डालते हैं और भी मसाला जो डालते हैं और पानी उसके हिसाब से पानी डाल के हाँ? इसके अंदर डाल दो और ये मशीन मशीन यहाँ से चालू होता है, ऐसे चालू कर दो 10 मिनट ये मशीन चालू रहेगा हाँ? तो 10 मिनट के अंदर ये आटा गूंद के तैयार हो जाएगा हाँ? फिर ये आटा निकाल के इस चैम्बर में डालना होता है, इस चैम्बर में डालोगे तो इसका जो वर्म है उसमें से आटा निकल के दूसरी साइड पर सीट निकल जाएगा। अच्छा, जो वो सीट निकले वो सीट इसमें डाल के आप इसमें बेल सकते हैं। तो सर अभी जो ये आटा का आपने जो ये शीट बनाया है, ये शीट का अभी क्या करेंगे? ये शीट पे जो निकला शीट उसको ये रोलर के हिसाब से पहले कट करते हैं, जितनी इसकी चौड़ाई ना उसके हिसाब से कट करते हैं। हाँ? इसकी जितनी चौड़ाई जी, ये चौड़ाई के हिसाब से यहाँ ये बेलेगा, ये सीट हाँ, को बेलेगा। अच्छा, बेलने के बाद यहाँ निकलेगा, यहाँ कटिंग होगा हाँ? उसका वेस्टेज यहाँ से निकलेगा हाँ? ट्रे में जाएगा और हाँ? नीचे का जो कटिंग निकला है ना वो वहाँ से मैंने वो उठा लेगी वहाँ से। ओके, अभी ये मशीन यहाँ से ऑन होता है, ये ऑन किया हाँ? अभी 30 की स्पीड पे चल रहा है। अच्छा, इसके ऊपर बाकी का जो मेहनत का काम है सारा मशीन करता है, हमें सिर्फ ऑपरेट करना होता है। ये का मशीन है और ये वेस्टेज इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर से वेस्टेज निकल, ये वेस्टेज को दोबारा इसकी चीज बन जाएगी। ओके, 50 ग्राम भी वेस्ट नहीं होता है, पूरा आटा इसमें चला जाए, 50 ग्राम भी वेस्ट नहीं होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा फंक्शन हो रहा है, बेलने के बाद यहाँ कट होता है देखो हाँ। और ये मशीन की स्पीड घटाई बढ़ाई जा सकती है, जितनी आप चाहो इतनी स्पीड बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, जितनी चाहे उतनी स्पीड रख सकते हैं अपने हिसाब से, जितने आपको सुटेबल हो उस आप उसकी स्पीड चेक कर सकते हो। खोलेगे एंटी क्लॉक खोलेंगे ज्यादा होगा, क्लॉक वाइज खोलोगे तो ये पतला होगा, महीन होगा। ओके, और ये कितना परफेक्ट गोल कटा है हाँ, एकदम बराबर एक समान होगा, परफेक्ट साइज का होगा। और थोड़ी देर इसको पंखे के नीचे रख के थोड़ा सूखा लेके बाद इसको धूप में डालेंगे, 10 मिनट में पापड़ हो जाएगा। मेहनत का सारा काम मशीन करता है, हमें सिर्फ ऑपरेट करना होता है, आपको सिर्फ ऑपरेट करना होता है। इसका जैसे ये वेस्टेज निकला, वेस्टेज हम इसको लेके वापस इसके अंदर सीट बनाने का ये जो चेम्बर है इसको हम चेम्बर बोलते हैं उसके अंदर डालते हैं तो फिर दोबारा इसका सीट बन जाएगा। तो थोड़ा प्रेस करते हैं, यहाँ से सीट निकल जाएगी। देखो ये सीट निकला है, ये पूरा सीट निकला है। इस सीट को हम दोबारा बेलने के लिए इसे छोड़ेंगे, दोबारा बेल सकते हैं और दोबारा बेल करके दोबारा प्रोडक्ट निकाल करके आपको बताते हैं। कटिंग निकलेगा वो इसकी सीट बनती रहेगी और आखिर में थोड़ा सा जो 10-20-25-50 ग्राम होता है वो सीधा डायरेक्ट डाल के आप बना सकते हो। और अभी वापस से आपको दिखाते हैं कैसे अभी चाचा बनाते हैं। ये रोलर अपने आप खींच लेगा, यहाँ से जो सामने आता है सीट इसके ऊपर लगा दो, सीट के इसके अंदर लग जाएगा, यहाँ कटिंग हो जाएगा और वेस्टेज ये ऊपर ट्रे में चला जाएगा। आपको एक दफे इसके ऊपर चढ़ा देने का है, बाकी का काम मशीन अपने आप कर देगा। फिर इसकी घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये अभी आधी स्पीड में चल रहा है। कटिंग के बाद जो सामने एक जो व्यक्ति होता है बनी हुई चीज निकाल लेता है और कटिंग फिर से इसमें डाल के फिर से सीट बनाते हैं। इसमें वेस्टेज बिल्कुल जाता नहीं, कोई भी चीज बनाओ सारे का सारा माल आखिर में 50 ग्राम जो भी आटा बचा है उसका भी आइटम बन जाता है, वेस्ट कुछ भी होता नहीं। इंजेक्शन मशीन है, आज अभी तक इसका कोई मेंटेनेंस हुआ नहीं, ऑयल पानी जैसा जो लगता ही हो इसके सिवा इसमें कोई इसमें नॉइस कोई आवाज का तकलीफ नहीं है, नहीं लाइट बिल का कोई प्रॉब्लम है। दो फैन जितनी लाइट लगती है इसमें, 1 horsepower का मोटर है और बिल्कुल शांत है। मैं घर में बनाता हूँ, सिंगल फेज का मोटर है, आज तक तो कोई तकलीफ हुई नहीं मेरे, आज तक कोई तकलीफ नहीं। अब 3 साल बिक जाता है आराम से। कोरोना से पहले मैंने मशीन लिया था। अच्छा, आज तक प्रॉब्लम नहीं आया, मेंटेनेंस नहीं आया आज तक अभी तक नहीं आया और बिल्कुल साइलेंट है। लाइट का खपत भी कम है, दो फैन के बराबर का लाइट मिलता है, दो फैन के बराबर लाइट में मशीन चल जाता है। घर की जो लाइट है आपकी, घर की लाइट सिंगल फेज की लाइट में और बिना आवाज की है, कोई पड़ोसी को भी परेशान नहीं होती। वो तो वीडियो में आपको समझ ही आ रहा होगा कि मशीन का कोई आवाज भी नहीं है। और जैसे आप देख सकते हैं चाचा और चाची ये मशीन को चला रहे हैं, तो आप कोई भी जो ये वीडियो को देख रहा है वो अपने घर से इस उद्योग को कर सकता है और इस तरीके का पापड़
कितना भी आप बना करके तैयार कर सकते हो और मार्केट में ये बिकता ही बिकता है। चाचा ये जो पापड़ आपने बनाया ये मार्केट में बिक जाता है नहीं बिकता? आराम से, मैं पूरा पड़ता भी नहीं, ये दो मशीन और हो ना तो भी चलेगा, इतना इसका डिमांड होता है। इतना डिमांड है पापड़ का कि चाचा एक मशीन चला रहे हैं और एक मशीन भी होगा तो भी डिमांड कभी खत्म नहीं होगा इसका, इतना ज्यादा ये मार्केट में बिक जाता है। मैं तो रोज चलाता भी नहीं हूँ और मेरा तो मंदिर का जो छोटा मोटा काम होता है वो करता हूँ। बस बस बस, तो अभी समझ लीजिए कोई अगर आदमी पापड़ बनाने की जो लागत होती है मानिए 10 रुपए का लागत है, तो उसमें कितना बच जाता है उनको? 10 रुपए की लागत के ऊपर मेरे हिसाब से कम 30 रुपए मिल जाएगा उसको। 10 रुपए 20 रुपया, हाँ वो 2-3 आदमी काम करेगा उसका भी रोजी निकल जाना चाहिए ना, वो आराम से निकलेगा। 4 आदमी का रोजी निकलेगा इसमें से, 8 घंटे चलेगा, 4 आदमी का घर चल सकता है इसमें। दोस्तों 8 घंटा अगर आप मशीन को चलाते हो तो आप बड़े आराम से 4 आदमी का इनकम आप इस मशीन से निकाल सकते हो। और गिरीश भाई तो जैसे डेली चलाते नहीं, उनको जब जरूरत होती है तब वो चलाते हैं, अपना काम करते हैं और फिर बाद में मशीन यहाँ पर बंद रहता है। और जैसे सर ने बताया कि ये प्रोडक्ट है, जितना बनाओगे और जितना बेचने जाओगे उतना कम है, तुम्हारी जितनी ताकत हो इतने बेचो, मार्केट ओपन है, आपकी जितनी कटिंग करने की ताकत हो इतना ये निकल जाएगा। ये खाने की चीज है, इसमें कभी मंदी नहीं होती, कभी मंदी नहीं होगा इसमें, ये हमेशा चलने वाला उद्योग है। हरदम पूरे इंडिया में किसी भी कोने में जाओ पापड़ तो चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो दोस्तों गिरीश भाई के लिए ये वीडियो को प्लीज आप जरूर लाइक कीजिए, अपने घर से उद्योग कर रहे हैं और अगर आपको भी उद्योग करना है, आप भी अपने घर से पापड़ बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, आप थेपला बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, आप खाकरा बनाने का कर सकते हैं, एक ही मशीन से कई सारे आइटम आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको जैक्सन मशीन से अगर आपको संपर्क करना है तो स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे सीधा मैन्युफैक्चरर से जैक्सन मशीन कंपनी से सीधा आप संपर्क कर सकते हो और उनसे आप फोन पे बात कर सकते हो, एड्रेस पे उनके जा सकते हो, उनका शोरूम वगैरह देख करके आप मशीन ले सकते हो। तो गिरीश भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और चाचा ने इतना सब कुछ हमको अच्छे तरीके से समझाया, एक एक चीज इन्होंने दिखाई कि कैसे सब कुछ बनाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाचा भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, कोई भी इस काम को कर किसी के काम आ सके ना, कोई मेरे जैसा जरूरत वाला आदमी ये सीख के अपना घर चला सकता है, बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।